साथियों, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अहम विषयों को टालते रहने के लिए कुछ लोगों ने हमेशा देश में भय का एक आर्टिफिशियल लॉजिक खड़ा किया। भारत अगर ऐसा करेगा तो वैसा हो जाएगा, देश में कुछ इस तरह का फैसला हो गया तो ऐसा हो जाएगा, एस्केलेशन हो जाएगा, बैकलैश होगा, इंटरफेरेंस जैसे लॉजिक से वो अपनी बातें जस्टिफाई करते रहते थे। साथियों, आज 26/11 मुंबई हमले की बरसी है। हम अच्छी तरह जानते हैं इस हमले के बाद आतंक के सरपरस्तों के साथ कितनी नरमी बरती थी। अब देश आतंक के खिलाफ कैसे कार्रवाई करता है, ये क्या मुझे बताने की जरूरत है क्या? आतंकियों को सख्त कार्रवाई से बचाने वाले सारे लॉजिक अब ध्वस्त हो चुके हैं। फ्रेंड्स, तीन तलाक का विषय भी इतने दशकों तक ऐसे ही नहीं खींचा गया। इस विषय को भी जितना खींच सकते थे खींचा गया, और वही डर का आर्टिफिशियल लॉजिक दिखाया करें। इसी तरह गरीबों को आरक्षण के विषय में भी हमेशा एक भ्रम पैदा किया गया। वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने कभी किसी को झूठे दिलासे देकर उकसाया तो किसी को डराकर अपना मतलब निकाल लिया। ऐसा आखिर कब तक चलता रहता? चाहे आर्टिकल 370 हो, अयोध्या हो, तीन तलाक हो या गरीबों को आरक्षण, देश ने ऐसे फैसले लिए, पुरानी चुनौतियों का सामना किया और अब आगे बढ़ चला है। और ऐसा नहीं है कि देश विरोधी ताकतों ने लोगों को भड़काने के, अलगाव बढ़ाने के, उकसाने के प्रयास नहीं किए। सब कुछ कोशिशें हुई है, प्रयास हुए, लेकिन जनता ने ही उन्हें विफल कर दिया। और जनता का यही भाव नेशन फर्स्ट है। आज समय का चक्र ये भी देख रहा है कि जब नेशन फर्स्ट होता है तो देश बड़े फैसले भी लेता है और उन फैसलों को स्वीकार करने की क्षमता दिखाकर आगे भी बढ़ता है।